इसको बोलते हैं संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन। मेरी लाइफ में इतनी लगी पड़ी है एंड मैं पिछले 4-5 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, फिर भी ग्रो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वीडियोस बनाना है। मुझे मालूम है मैं आज नहीं तो कल तरक्की जरूर करूंगा एंड ग्रो जरूर करूंगा। देवा, देवा, देवा। मैं ग्रो एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप जाके ट्रेडिंग करने लगोगे। नहीं लेकिन सच में यार, मतलब लाइफ में पूरी लगी पड़ी है, कब बारिश होता है कब धूप होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? खत्म। एक चीज और मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को बता दूं जो इस वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, चीन टपाक डम डम, कि आने वाले टाइम पे आपको रोस्टिंग टाइप वीडियोस यहाँ पे देखने को मिल रही, जहाँ पे मैं एक रिएक्शन वीडियोस बनाऊंगा। तो अब जो आपको जो अगर आपको गेम प्ले की वीडियोस चाहिए तो आप वो जो है मेरा मिस्टर ट्राई दूसरा चैनल है उसे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपको गेम प्ले की वीडियोस मिलेंगे। एंड यहाँ पे मैं मोस्टली जो है अब रिएक्शन वीडियोस ही देने दूंगा। फिलहाल मैं शायद से हो सकता है कि मैं पबजी के कुछ वीडियोस डालूं जो कि सीजन रिवॉर्ड्स के रिगार्डिंग रहता है, बिकॉज उससे मुझे कुछ व्यूज आ रहे हैं, सो दैट मुझे कुछ पॉकेट मनी मिल सके। समझा करो यार, बिकॉज पैसे नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। खैर ये सब फालतूगिरी बहुत होगी, अब चलते हैं एक न्यू वीडियो की तरफ। तो डेंचा पूजा का यस एक न्यू गाना आ चुका है एंड इस न्यू गाने ने तो मुझे दिमाग खराब कर दिया है। जहाँ से शुरू होता है वहीं से खत्म होता है। मैं हूँ पापा की परी तू है मगरमच्छ, मैं हूँ पापा की परी तू है मगरमच्छ, पापा की परी, पापा की परी, पापा की परी, पापा की परी, मैं हूँ पापा की परी तू है माँ का मगरमच्छ, मैं हूँ पापा की परी तू है माँ का। ये मगरमच्छ भी दीदी के साथ डांस करने के लिए शर्मा रहा है, बेचारे आते ही चले जाते हैं। तू जमी पे रेंगता, मैं हूँ पापा की परी। दीदी इसके आगे भी बढ़ जाओ नहीं तो लोग चीन टपक डम डम करने लगेंगे। मैं हूँ बेचारे मगरमच्छ यार, चीन टपाक, मुझे बहुत दुख हो रहा है यार इन मगरमच्छ के ऊपर। क्या कर सकते हैं हम, नहीं नहीं बस मैं इसके आगे नहीं सुन सकता हूँ। अब हमको जो है अभी बहुत दिक्कत, स्टार्टिंग इतना फुल जोश में रहता है एंड एंडिंग एकदम स्लो मोशन में हो जाता है विद सेम लिरिक्स। वाह भाई वाह, क्या गाना है। ये सॉन्ग सुन के मुझे लग रहा है टोनी कक्कर को थोड़ा और इंप्रेशन, क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन लेना चाहिए निंजा पूजा से। आपको नहीं लगता बिग बॉस से निकलने के बाद जो बंदे टोनी कक्कर के साथ कोलैबोरेट करते हैं उनको डिंचक पूजा के साथ भी कोलैबोरेशन करना चाहिए? क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत अच्छा मौका है ये। तो बस यार फिलहाल के लिए इतने, अगर मैं ज्यादा वीडियो बनाऊंगा तो बैकग्राउंड के नॉइज आपको दिमाग खराब कर देगा। तो अभी मैं चलता हूँ एंड फिलहाल आप इस वीडियो पर लाइक करो, एम करता हूँ 5 लाइक का बस। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया।